सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी हैबिट कम स्कूलिंग सिस्टम बट आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपका मॉक टेस्ट सेवन का जोलॉजी सेक्शन ए डिस्कस करना है सो लेट्स स्टार्ट तो बेटा हम जोलॉजी का सेक्शन ए अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वन फिफ्टी वन क्वेश्चन क्या है विच स्टेटमेंट इज इन करेक्ट फॉर द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द्लास ऑस्टिक थीज ऑस्टिक थीज कौन से होते हैं बच्चे बोनी फिशेज होते हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होगा द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोइड और टीनवाइड स्केल ये ठीक है इस ऑप्शन बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स विथ बोनी एंडोस्केलेटन ये भी ठीक है स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बताना है माउथ टर्मिनल एंड गिल्स कवर्ड बाय अपरकुलम ये भी ठीक है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट ओनली एट दार्वल स्टेज बट आफ्टर दैट इट डिसअपीयर्स बच्चे ये वर्टिब्रेटा है तो इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो होगा एम्ब्रॉनिक im स्टेज ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट क्लास ऑस्टिक थी नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट कॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट इज तो क्या होता है बच्चे एबसेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और हेमिकॉडेट जो होते हैं उनके अंदर क्या होगा स्टोमोकॉर्ड्स प्रेजेंट होगा स्टोमो प्रेजेंट होता है है ना फिर इसके साथ जो है फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होगा गिल गिल स्लिट ये किसका फीचर है ये कॉर्डेट का फीचर है तो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ये भी गलत है 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 ना ये भी गलत विद गिल स्लिट यस फेरेंजियल गिल स्लिट जो है बोथ इन कॉर्डेट्स एंड हेमी कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलिंग एनिमल इज कॉल्ड एज अ लिविंग फॉजल लिविंग फॉजल कौन से फॉजल्स होते हैं बच्चे जो जब उनका ओरिजिन हुआ वहाँ से लेके अभी तक उनके अंदर अगर किसी तरीके का कोई इवोल्यूशन ना हुआ हो वो एज इट इज हो तो उनको हम लिविंग फॉजल कहते हैं तो जो लिमिलस है बच्चे दैट इज अंग क्रैप इज कॉल्ड एज द फॉजल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीज द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटीरियल तो एक्स्ट्रा सेलुलर किसके अंदर होता है बच्चे तो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर है ना एरुलर एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किस तरह के होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं किस तरीके का है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें सबसे ज्यादा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मेटीरियल प्रेजेंट होगा राइट right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग कंटी द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलर मेटीर तो बच्चे जो सेकंड ऑप्शन जो है एरूलर कनेक्टिव टीशू जो कि एक लूज कनेक्टिव टिशू है इसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा जो है एक्स्ट्रा सेलूर मेटीरियल होता है तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डायग्राम दिया गया है आइडेंटिफाई ए टू सी रिस्पेक्टिवली तो अगर आप यहाँ पे ए देखो तो ए क्या है ट्रंक है बी क्या है आई है और यहां पे फोर लिम्ब है तो ये सी क्या है हैंडलिम्ब है वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट मफोलॉजी के बेस पे क्वेश्चन है तो यहां पे आपका जो ऑप्शन टू है ट्रंक आई एंड हैंडलिम इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑर्गे नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन तो किसमें मेम्ब्रेन राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता है सेंट्रोसोम लाइजोजोम के अंदर होता है तो so, ये जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा पेरागजीजोम न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम तो न्यूक्लस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है पेरक्सिजोम के अंदर जो होगा न्यूक्लियस नुकलिय, के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मैमब्रेन नहीं होता है, है ना तो यहां पे राइबोसोम न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोली यस yes, ये तीनों ऑप्शन जो हैं इनके ऊपर दे आर नॉट सराउंडेड बाय द मैमब्रेन राइट तो यहां पे ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थक्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू बट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाइयर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दी अर्थक्रस्ट सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चे तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है कार्बन है नाइट्रोजन है सल्फर है वो जो है हमेशा यह एलिमेंट जो होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होगा अर्थक्रस्ट से ज़्यादा क्योंकि हमारी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ दिस एलिमेंट्स राइट हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोकार्बन इसी का बना होता है सल्फाइड का नाइट्रोजन का इसी की हमारी बॉडी बनी हुई है ना तो यहां पर जो है ये अर्थ क्रस्ट से ज्यादा जो होगा ये एलिमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा सो ऑप्शन थ्री इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिज द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो क्या दिया गया रहा है ड्यूरिंग डायक एनेसिस द क्रोमोजोम्स आर फुली कंडेंस एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर सेपरेशन तो यस yes, ये ठीक है ये वाला स्टेटमेंट है ना डायनेसिस में फुली स्पिंडल हुँ, हुँ, होगा वो असेंबल्ड हो चुका होगा क्योंकि इसके बाद प्रोफेज खत्म हो जाएगा आपका और मेटाफेज इक्वेटर पे जाना है जिसके बाद जो है होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो सेपरेट होंगे है ना कैनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होगा तो ये स्टेटमेंट ठीक है बाय द एंड ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर डिसूक्लियर एनवे ब्रेक डाउन लेट प्रोफेज का फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एल्वलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता दोनों है दोनों स्टेटमेंट ठीक है सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पैक्टोरल गर्डल इन मैन कंसिस्ट ऑफ तो जो पैक्टोरल गर्डल होता है बच्चे वो क्लेविकल्स एंड स्कैपुले का बना होता है सो बोथ साइड इन साइड एक क्लैविकल एक स्कैपुला प्रेजेंट होगा तो दोनों अगर हम प्रॉपर बॉडी मैन की बात करें तो पेयर में प्रेजेंट होगा टू क्लैविकल्स एंड टू, तो टू इस दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, टाइप का है, क्या इससे ये होता है येस रिंग प्रेजेंट होगा है ना ट्रैकिया एंड इनिशियल ब्रांक्यूल्स में ताकि जो है कोलैप्स ना करे प्रेशर एक्जर्ट कर सके है ना तो यहाँ पे जो एग्जर्ट होगा तो उसको वो रह सके नहीं तो वो क्या हो जाएगा कोलैप्स कर जाएगा ट्रैकिया जो है अगर रिंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो है ना और ट्रैकिया कैन कोलेप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन नहीं बच्चे ये इसी रिंग्स की वजह से जो है वो क्या करते हैं वो क्लैप्स नहीं होते हैं ना तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ डब्ल्यू दिया गया उसके फंक्शंस दिए गए हैं तो अगर आप देखो बेसोफिल क्या करता है तो बेसोफिल जो है बच्चे ये सिक्रीट करेगा हिस्टामाइन सैरटोनिन एंड हिपेरन है ना एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है एलर्जिक रिएक्शन में एक्सक्रीट करेगा है ना जब भी एलर्जी होती है तो हिस्टामाइन साइरेटोनिन रिलीज होता है राइट न्यूट्रोफिल की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल जो है फैगोसाइटोसिस करता है इट इज़ अ सेलुलर बैरियर इनट इम्यूनिटी का यूसिनोफिल की अगर हम बात करें तो यूसिनोफिल जो है बच्चे वो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है और लिम्फोसाइड जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन टू इज़ दी राइट आंसर ए का टू बी का वन सी का थ्री एंड डी का फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी तो बच्चे किडनी क्या करता है जो रेड ब्लड सेल्स जो बनाते हैं एरिथ्रोपोइटिन सेल्स बनाएंगे जो कि क्या बनाएगा आरबीसी बनाएंगे ना? है ना आर बनाते हैं सो ऑप्शन टू इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर अकर्स बाय द स्लाइडिंग ऑफ किसकी स्लाइडिंग से होता है मसल फाइबर है ना कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा तो थिन फिलामेंट का जो स्लाइड होगा अगर हम ये बात करें ये जी लाइन है और ये हमारे पास एक्टिन है थिन फिलामेंट है और ये हमारे पास थिक फिलामेंट है तो इसकी स्लाइडिंग होती है है ना किसके ऊपर इसके ऊपर ये यहाँ से इधर से स्लाइड करेगा इस तरीके से मूव करेगा राइट right? तो ये क्या आ जाएगा थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट ठीक है बच्चे सो ऑप्शन वन इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द मिड जो मिड ब्रेन होता है किसके बीच में होता है बच्चे वो थेलमस हाइपोथेलमस एंड पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होगा है ना तो यहां पे आपका जो ऑप्शन टू है इज द राइट आंसर ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में होता है हैंड ब्रेन कहाँ से स्टार्ट होता है पॉन्स से स्टार्ट होता है, है ना ये आपका जो है फोर ब्रेन है फोर ब्रेन का पार्ट है ये आपका कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट है तो मिड ब्रेन कहां पे होगा इन दोनों के बीच में होगा तो क्या आ गया थेलमस हाइपोथेलमस एंड पॉन्स सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है बच्चे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है कैसे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा है ना सो इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ फॉर्मिंग ग्लाइकोजन है ना उसकी उस तरीके से बाय फॉर्मिंग क्स्ट क्वेश्चन so, right है वाई डू सम हारमोन्स फर्स्ट मैसेजर नीड्स टू ट्रीगर अड मैसेजर टू एक्टिवेट ए टारगेट से बच्चे कुछ जो मैसेंजर्स होते हैं वो प्लाज्मा मैम्रोइन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे है ना तो इस वजह से जो है क्या जैसे पैप्टाइड हो गया इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं सिर्फ स्ट्राइड हारमोन जो होते हैं दे आर इंटरसेलर वो क्रॉस कर सकते हैं तो लेकिन जो है होंगे उसके लिए क्या होगा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा तो द फर्स्ट मैसेंजर कैनॉट क्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसका जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा एफ एस एच एग्जाम्पल आ जाएगा फॉलिकल फर्कुलटिंग हॉर्मोन वो जो है क्या करेगा वो क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो फर्स्ट मैसेंजर जो है सेकेंड मैसेंजर को इंफॉर्मेशन देगा है ना एक्टिवेट करेगा ऑप्शन टू इज द राइट आंसर इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक प्लेस एट तो बच्चे फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है अगर आप ये बात करो है ना तो यहां पर इस तरीके से ओवरी है सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज दिस इज इनफंडिबुलम दिस इज एम्पुला एंड दिस इज इस्थमस है ना ये तीनों किसके पार्ट है फैलोबियन ट्यूब्स के पार्ट है तो कौन से रीजन में होता है बच्चे एम्पुलर रीजन में होता है तो ऑप्शन टू इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवेम ऑव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स तो किसकी वजह से होता है बच्चे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल की वजह से तो है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है ना सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर क्योंकि इन दोनों का लेवल हाई होना चाहिए तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन फॉजेस्ट्रॉन जो है तो कॉर्पस ल्यूटियम में हेल्प करता है ना मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करेगा एंडोमेट्रियम के वॉल्व उसमें हेल्प करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है यूरिद्रल मियाटस रिफर्स टू एज यूरिद्रल मैटस क्या होता है बच्चे जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है हैल डक्ट की की उसको हम यूरिद्रल मियाटस कहते हैं सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है बच्चा नेक्स्ट है डायफ्रैगम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट बच्चे ये कौन से हैं ये बैरियर्स हैं दे आर बैरियर्स किस तरह के बैरियर्स हैं फिजिकल बैरियर्स हैं कौन यूज करता है फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्शन एज अ कॉन्ट्रासेप्शन मैथड राइट तो इट इज टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग देंट्री ऑफ स्पॉन्स थ्रू दर्विथ सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे देयर आर वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन एंड देयर बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मैंशन एनी फोर प्रोपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव तो बच्चे क्या होना चाहिए यूजर फ्रेंडली इजली अवेलेबल रिवर्सिबल एंड नो अ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट तो यस दिस इज़ द राइट आंसर बच्चे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक आइडियल कॉन्ट्रोसेप्टिव के अंदर होने चाहिए है ना वो ईजिली कोई यूज़ कर सके है ना जो अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में रिवर्सिबल होना चाहिए है ना ताकि जो है दोबारा से जो है अगर किसी कपल को अगर नहीं अगर फैमिली प्लानिंग करनी है तो उसके लिए वो यूज करें और अगर उनको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है तो वो रिवर्सिबल भी हो जाना चाहिए है ना तो यहां पर वो फिर से प्रोड्यूस भी कर सकें तो दिस इज द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट है मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वूमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर कलर ब्लाइंड मदर का मतलब क्या है यहां पर कैरियर हो जाएगी वो है ना एंड uh, जो नॉर्मल फादर है तो वाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड तो देखो 50 परसेंट तो यहाँ से आ रहा है क्योंकि फादर जो है कलर ब्लाइंड है और मदर क्या है उसका कैरियर जीन प्रेजेंट है तो ये कलर ब्लाइंड क्या होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है तो कितना परसेंट चांस आ जा जाएगा फिफ्टी परसेंट चांस आ जा जाएगा है ना नाइट right? क्योंकि फादर के पास जो होगा एक्स वाई तो ये तो कलर ब्लाइंड है है ना और जो मदर है वो कैरियर है तो कलर ब्लाइंड तो अगर जब फ्यूजन होगा लाइक like दिस ये देखिए जब 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 फ्यूजन होगा तो यहाँ पे 50 परसेंट चांसेस बन रहा है ये देखिए एक्स कलर ब्लाइंड और एक्स कलर ब्लाइंड ठीक है फिर यहाँ से करेंगे, तो एक्स कलर ब्लाइंड एंड एक्स यहाँ से अगर इसको करें तो x कलर ब्लाइंड एंड y और इसके साथ अगर करोगे तो x और y बन जाएगा तो यहाँ पर चांसेस किसके बन गए इसके और इसके बने कि नहीं बने बच्चे तो कलर ब्लाइंड के चांसेस बन गए है ना तो 50 परसेंट चांसेज़ होगा कि वो आगे चल के वो क्या करेंगे वो कलर ब्लाइंड होगा है ना क्योंकि कैरियर हो जाएंगी नहीं तो फिफ्टी परसेंट में तो कलर ब्लाइंड है 50 परसेंट में क्या होगा कैरियर बन जाए तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन फोर इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सो कॉमनली यूज होस्ट फॉर क्लोनिंग इन एच बी वर पी एसी प्लाज्मिक आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड जीएमो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो बच्चे ये नहीं था बैक BAC था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है ना तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत है सो दिस इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट देखिए द अलाइनमेंट ऑफ सिक्वेंस ऑफटेन स्ड प्रोग यस बायफॉमेटिक्स का यूज किया गया द डेवलप सिक्वेंस बाईन एंड वस साइन टू इच क्रोमोजोम यह भी ठीक है द ह्यूमन जीनोम हैज ट्वेंटी टू ऑटोजोम्स एक्स एंड वाई ये भी ठीक ऑप्शन है ना सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेचुरल सिलेक्शन दिया गया एक्सप्लेशन दिया गया तो अगर पहले तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन दीन कैरेक्टर मोर इंडिव्यजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन दी मीन कैरेक्टर तो कौन होगा किसके अंदर होता है बच्चा ये तो डायरेक्शनल के अंदर होगा है ना मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एवरेज कौन करता है तो स्टेबलाइजिंग जो है वो आपका कौन करेगा स्टेबलाइजिंग जो है वो करेगा इसको है ना वो मीन को ऑप्ट करता है और मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट दी बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें तो डिस्ट्रप्टिव वाला आ जाएगा पेरीफेरल कैरेक्टर्स बोथ एट द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसके अंदर स्टेबलाइजिंग के अंदर क्या हो जाता है नैरो हो जाता है, है ना एवरेज को सेलेक्ट करता है डायरेक्शनल में क्या हो जाता है वो एक डायरेक्शन में चला जाएगा लाइक like दिस है ना और डिस्ट्रप्शनल में क्या हो जाता है दो मीन बन जाता है और वह एवरेज को डिस्कार्ड कर देते हैं लाइक like दिस तो यहां पे आपका ऑप्शन का क्या आ जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ए का जो है टू है बी का वन है और सी का थ्री है सो ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द काउजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ द टाइफाइड तो कन्फर्मेटिव टेस्ट जो होता है वो वाइडल टेस्ट होता है और ये जो है स्टेप्टोकॉकस टाइफी है राइट right? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये तो यहाँ पे सेलमोनोला टाइफी जो सॉरी मैंने आपको सेप्टोकॉगस बोला सेलमोनाला टाइफी है और वाइडल टेस्ट इसका आंसर है तो ऑप्शन थ्री जो होगा बच्चे आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है सो so, ऑप्शन थ्री इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बच्चे आपको जो है ये पॉजिटिव एजेंट और जो कोई सा भी डिजीज है उसका टेस्ट जो है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए है ना इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैच कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है बच्चे टी सेल करेगा है ना ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे प्रोड्यूस होती है तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है बच्चे एंटीबॉडी से बी सेल्स करते हैं और मोनोसाइड जो है वो फोगे फैगोसाइटोस में हेल्प करता है ये आपका जो है बैरियर है सेलुलर बैरियर है सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच बायो कंट्रोल एजेंट इज वेरी कॉमन इन रूट इको इज इजेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन ट्राइकोडर्मा जो है इट इज वेरी कॉमन इन रूट इको सिस्टम है ना वहां पे प्रेजेंट होता है तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा इज द राइट आंसर ये सारे के सारे बच्चे एनसीआरटी के तो आपको लाइन वाइज जो है एनसीआर पढ़नी पड़ेगी है ना तो यहां पर देखिए डैश इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बायटिंस है बच्चे स्टैटिस्नेस्कस परप्यूरस क्या होता है ये फंगाई होता है ये फंगस है एक है ना किस तरीके ईस्ट है ये बेसिकली तो यहां पे ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट है द रिस्ट्रिक्शन इज आई एम रिस्पॉसिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ फॉलोइंग सिक्वेंस तो ये दिस इज द पेलेंड्रॉमिक सिक्वेंस तो ये पैलेंड्रामिक सिक्वेंस किसका है हिंड थ्री का पैलेंड्रामिक सिक्वेंस है तो यहां पे आपका ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर आपको ये सिक्वेंसिस इन सबके सिक्वेंसेज याद करने पड़ेंगे कुछ के है ना तो यहां पे हिंट थ्री जो है हिंट टू इज द राइट आंसर हिंट टू जो है आपका जी टी सी जी ए सी और सी ए जी सी टी जी जो है इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस है नेक्स्ट देखेंगे फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो ओवर 95 परसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस ये ठीक है सबसे ज्यादा माइस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है ट्रांजनिक एनिमल्स कैन नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाओ द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन बचे इट कैन भी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन सो ऑप्शन टू जो है इसका इनकरेक्ट स्टेमेंट है बाकी स्टेटमेंट देखिए नाइनटीन सेवन द फर्स ट्रांजेिकोजी वॉज प्रोड्यूस दिस इज ट्रू ट्रांजेनिक माइस आर बींग डेवलप्ड फॉर द यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन ये बिल्कुल सही बात है ना किया जाता है सबसे पहले एल्बीनो रेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पहले टेस्ट किए जाते हैं जो लेबोटरीज माइस जो होते हैं नेक्स्ट है देखिए स्टेटमेंट टाइप का है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है देखिए इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन चेन ए एंड चेन बी दैट आर लिंक टूगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस ब्रिजेज ये ठीक है द सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड नॉट रिमूव ड्यूरिंग मैच्यूरेशन तो बच्चे इट इज नॉट प्रेजेंट एंड इट इज रिमूव्ड डूरिंग मैचुरेशन तो यह आपका गलत स्टेटमेंट है तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट तो आपका ऑप्शन टू जो है वो राइट right आंसर आ जाएगा करेक्ट एंड इन करेक्ट नेक्स्ट देंगे बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन बैम ही फाउंड दैट द एवरेज नेटेलिटी नेटेलिटी क्या है डेथ रेट वॉज टू फिफ्टी एवरेज मोटेलिटी वॉज टू फोर्टी मोर्टेलिटी का मतलब क्या है नेटेलिटी का मतलब है बर्थ रेट बर्थ रेट है ना नेट मोर्टेलिटी का मतलब क्या है डेथ रेट इमिग्रेशन ट्वेंटी एंड एमिग्रेशन जो है वो थर्टी है तो नेट इंक्रीज पॉपुलेशन कितना हो जाए तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई ठीक है अब बी जो है वो नेटेलिटी है डी जो है डेथ रेट है आई इमिग्रेशन है और ई e जो है एमिग्रेशन है तो यहां पे अगर आप इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो बी कितना दिया गया है यहां पर दिया गया है नेटेलिटी इज टू फिफ्टी जो है आपका ट्वेंटी दिया गया है डेथ रेट जो है वो टू दिया गया है और इमिग्रेशन जो दिया गया है वो दिया गया है आपका थर्टी तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा ठीक है बेटा आप ये देखिए ना 250 फिफ्टी प्लस ट्वेंटी कितना होता है 270 सेवेंटी अब माइनस कर दीजिए 240 फोर्टी प्लस थर्टी कितना होगा 270 सेवेंटी तो ये कितना आ गया जीरो आ गया तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेन देयर आर सिचुएशन वेयर एन एनिमल और प्लांट इज इनडेंजर्ड और थ्रेटेड एंड नीड्स अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट्स फ्रॉम द एक्सटिंक्शन विच इज द डिजायरेबल अप्रोच तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं बच्चे उसको हम वहां से ले जाके किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करके वहाँ पे उसका प्रोटेक्शन करते हैं अगर जब उसको इमीडिएट अर्जेंट नीड चाहिए है उसको है ना तो यहाँ पे दिस इज एक्स सी टू ऑफ साइट कंजर्वेशन जिसमें कि हम जोलॉजिकल पार्क बना सकते हैं है ना उसको जो है जीन बैंक है क्राय प्रिजर्वेशन ये सारे के सारे जो भी हैं वो एक्स सी टू कंजर्वेशन है तो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन

इसका फार्मूला क्या है बच्चे तो फार्मूला जो है वो है डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर एन आर जो है इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है और इसका क्या आ जाएगा के माइनस एन अपॉन में के तो के क्या है यहाँ पर के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी एन क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम टी तो ये जो है इस तरीके से जो ए सिमटूट जो आएगा जब के जो होगा बच्चे एन के बराबर होगा जो है ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो फॉर्म होता है ना सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन सेक्शन ए ऑफ जोलॉजी आई होप बेटा आप लोगों का सोल्यूशन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे राइट सो ऑल बेस्ट देश गॉड ब्लेस टेक केयर थैंक यू